हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ की मैथ्स की लैब एक्टिविटी टू करेंगे। ये एक्टिविटी हमारे ट्रायंगल से रिलेटेड है। ट्रायंगल में हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे एंड उसके दो साइड्स इक्वल हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि उसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इसके लिए हमें कुछ मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो वो मटेरियल क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या लेना है हमें? वाइट पेपर, कलर्ड पेंस, सीजर्स एंड ग्लू। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, कैसे करेंगे हम इसको? सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाइट पेज लेंगे, उस पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, दो साइड्स इक्वल हैं, एंड उसको कट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो इसमें ए बी सी आपको एंगल्स दे रखे हैं, इनको हम कलर करेंगे एंड डिफरेंट कलर से। ए को हमने रेड कलर से कलर कर लिया, बी को ब्लू से एंड सी को येलो से कलर कर लिया। एंड सेम नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एक और कॉपी बनाएंगे, बिल्कुल सेम शेप एंड साइज, सेम कलर। एंड जो हमने सेकेंड कॉपी बनाया है, हम उसके एंगल्स को अलग अलग कर लेंगे। ए बी सी हम इसको कट करके ट्रायंगल को हम तीन एंगल्स फाइंड कर लेंगे। ए बी सी हमारे पास तीन एंगल्स हो गए। अब हमें ये देखना है कि ये तीनों इक्वल में से हैं या इन दोनों में से, इनमें से कोई भी दो इक्वल है या सभी अनइक्वल है। तो हम एक एक करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। बी को ए के ऊपर ओवरलैप किया तो आप देख सकते हो अलग अलग लाइन आ रही है, इनमें से इक्वल नहीं है। सेम आपने सी को ए के ऊपर ओवरलैप किया तो आप देखेंगे कि ये भी इक्वल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सी को बी के ऊपर ओवरलैप करोगे तो आप देखो ये तो इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स बी एंड सी इक्वल है। तो आप क्या बता सकते हैं, जो एंगल बी है और सी है वो इक्वल हैं। तो आपने स्टार्टिंग में ट्रायंगल लिया था ए बी सी, इसमें ए बी ए सी के इक्वल था, तो लेकिन इसमें हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो बी है वो सी के इक्वल है, कैसे? ओवरलैप से। तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, जो बी है वो एग्जैक्टली कवर किसको कर रहा है, सी को कवर कर रहा है, या आप ये बोल सकते हो कि जो सी है वो बी को कवर कर रहा है। उसके बाद आपको एक्चुअल मेजरमेंट करनी है, इनकी मीन्स प्रोटेक्टर लेना है एंड इनको मेजर करना है कि कितने कितने एंगल्स हैं, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। आप नोटबुक में कैसे लिखोगे, प्रैक्टिकल नोटबुक में लेफ्ट हैंड साइड ब्लैंक पेज या लाइन पेज है ना, एंड राइट हैंड साइड ब्लैंक पेज। तो आपको लेफ्ट में लिखना है, राइट में पेस्ट करना है। ऑब्जेक्टिव मटेरियल रिक्वायर्ड एंड जो भी हमारे पास क्या थे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को हमने लिख लिया था राइट में, सेम हम नेक्स्ट पेज पे एंगल्स पेस्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में एंड लेफ्ट में लिखेंगे। ऑब्जर्वेशंस में देखिए, आपने फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर लिया था। जब हम एक्चुअल मेजरमेंट करें तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि जो हमारा बी एंड सी है वो इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि हमें वही तो प्रूफ करना था कि वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये सभी के अलग हो सकते हैं क्योंकि आपने जिस हिसाब से ट्रायंगल लिया है। ओके, थैंक यू।